हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज की ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपना गर्म पानी पीती हूँ, नींबू और शहद डाल के, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल। आजो बेबी, मेरा क्यों रो रहा है सुबह सुबह? चलो आजो, जल्दी आओ गोदी। गुड मॉर्निंग, जय माता की बोलो। मम्मा को जय माता की बोल दो। मेरा बेबी, मेरा सोना। ओए मेरा सोना, ना रोते नहीं सुबह सुबह, नहीं रोते बेटा, मम्मा आपके पास ही है। ओके मम्मा आपके पास है ना, क्यों रो रहा है मेरा बेबी पे? चलो हाय कर दो। आप हाय करते हो ना? आप नहीं करना, एक बारी हाय कर दो देख के प्लीज। हाय ऐसे करो नहीं। ओके भाई, थोड़ी देर में बात करनी है, अभी मेरी बेबी सो के उठी है, उसका मूड अच्छा नहीं है अभी। उसके बाद मैं मायरा को ब्रश कराने लेके गई हूँ, अभी नायरा उठी नहीं है। और जो मैं मायरा नायरा को पेस्ट यूज करती हूँ, वो मैं मामा अर्थ का पेस्ट यूज करती हूँ इनके लिए। कौन उठा? नायरा उठ गई। नायरा से हाय। तो मायरा ब्रश कर चुकी है, इसके बाद अभी नायरा ब्रश कर रही है। ये लो टॉवल, ये लो। यहाँ पे टॉवल से मैं भी इनका फेस वाइप कर सकती थी, बट मैंने इनको दिया है बच्चों को, जिससे कि ये सीखेंगे डेली अपने काम करना, ये खुद सीखें, जिससे कि बच्चे अपने मम्मा पापा पे डिपेंडेंट ना रहें। इधर देखो मम्मा की तरफ। तो आइए मैं आज आपको नए मेंबर से मिलाती हूँ अपने घर के। तो ये है वो मेरा नया मेंबर, इसका नाम है सॉफ्टी, और ये है टॉय पॉम, और ये अभी अपना दुद्दू और बिस्किट खा रहा है। और उसके बाद मैं गई थी बाहर प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बड़े हो रहे हैं अब प्लांट्स हमारे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ढंग से नहीं हो पाते हैं प्लांट्स, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने नए लेके आए थे, और ये अभी नए नए इसमें दो फूल उगे हैं। बहुत सारे काम पड़े हैं, अभी मैं बेड अंदर कर रही हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और ब्रेकफास्ट आज का सरप्राइज़ है, मैं अभी बताऊँगी नहीं, और ब्रेकफास्ट मैं नहीं बना रही, तो ये आपके लिए सरप्राइज है कि अभी कौन बना रहा है ब्रेकफास्ट, ठीक है? और बेटा ये क्या किया? चलो अब अपने काम पे लग जाती हूँ, अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं, झाड़ू पोछा भी करना है मैंने। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ। वैसे तो हर दिन नया काम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आज ये काम है तो कल भी सेम वही काम होगा, डेली नया काम होता है, ये हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो आप अपने दिन को पॉजिटिवली लीजिए, और पता है ये क्वारंटाइन चल रहा है, और पॉजिटिव लेकर सारे काम करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, और अपने खुशी खुशी दिन बिताएँ, और भगवान से प्रे करें कि ये जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल डेज वापस आ जाएं हमारे। और मेरी अपनी राय ये है कि मैं घर की लेडीज़ से ये बोलना चाहूँगी कि जब पता है हमें ही सारे काम करने हैं, तो हम क्यों ना उसे खुशी खुशी सारे काम को कर लें, क्योंकि मूड ख़राब करके अपने काम करना, ना तो वो काम अच्छा होगा और अपना मूड अलग ख़राब करेंगे। तो जब हमें ही करना है तो अच्छे से मूड से काम करें, और वो बहुत अच्छा काम भी होगा। यहाँ पे मेरी नायरा मायरा ब्रेकफास्ट कर रही हैं, और ब्रेकफास्ट में वो खा रही हैं कॉर्न वाला सैंडविच,
और ये सैंडविच बनाया है इनके पापा ने, तो ये ही सरप्राइज था कि आज का ब्रेकफास्ट मैं नहीं बना रही हूँ, तो हमारे घर के जेंट्स भी हमारी हेल्प करते हैं और नाश्ते में दोनों भाई मिलके बनाया है। भैया जो गप्पू भैया हैं, मतलब कि मेरे देवर, उन्होंने बनाया था मैक्रोनी और इसके पापा ने बनाया था कॉर्न सैंडविच। तो ऐसे ही खुशी खुशी हमारे घर के सारे काम निपट जाते हैं, सब एक दूसरे का हाथ बटाएं तो सारे काम हो जाते हैं। तो हमें ही करने हैं घर के सारे काम, तो मैं ये बोलूँगी कि आप सफाई से सारे काम करें क्योंकि जर्म्स बिल्कुल भी ना रहें, पोछे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके लगाएं। और ये बनाया है पास्ता जो कि गप्पू भैया ने बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी था। अभी सारे काम निपटाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं दिन के लंच के लिए अब कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ मसर की दाल। और ये कैसे बनाते हैं, अभी जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं किचन के लिए, और कुछ लड़कियों की नई शादी होती है तो उन्हें थोड़ा सा नहीं पता होता है ढंग से कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी बाद में ही सब कुछ सीखा है। क्योंकि हम लड़कियाँ पहले इतना ज़्यादा किचन में काम नहीं करती हैं या ध्यान नहीं देती हैं, पढ़ाई वगैरह कॉलेज वगैरह इन सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं, तो कई बार किचन में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये थोड़ी सी रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज काटा है और 3 से 4 कलियाँ लहसुन की और अदरक की छोटा सा, वो मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे प्याज वाले, उसको देख सकते हैं आप। और पर लेकिन मैंने टमाटर, एक टमाटर यूज़ किया है, वो मैंने बिल्कुल पतला कर लिया है। और मैं दाल बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। जब आप सरसों के तेल में खाना बनाएं तो ध्यान रखें कि सरसों के तेल को अच्छे से पका लें, वरना सरसों के तेल अगर कच्चा रह जाता है तो पूरी दाल या सब्जी में वो स्मेल आती है। और जब मेरा तेल पक गया है तो मैंने उसमें प्याज वाला जो मैंने बना के रखा था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने गैस की जो फ्लेम बिल्कुल लो कर रखी है, लो टू मीडियम ही रखनी है जब आप प्याज को पकाने लगेंगे, जिससे कि वो अच्छे से पक जाते हैं। मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है और पक गया है मेरा प्याज, तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी। आप एक टमाटर लें, मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था और उसकी प्यूरी बना ली थी और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च से ये होता है कि कलर आता है, गरम मसाला नहीं लगती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें सारे मसाले, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि कितना मैं डाल रही हूँ, क्योंकि सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। आपके घर में अगर बहुत चटपटा खाते हैं तो आप उस हिसाब से डालें, हमारे घर में जिस हिसाब से खाते हैं मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। को सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। आलू को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे और कच्चापन जब तक मसालों का खत्म ना हो जाए, तब तक हम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है वो भुन चुका है, देखिए उसमें तेल छोड़ रहा है मसाला, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। ये दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने इतनी देर से भिगा के रखी थी। आप मिनिमम 15 मिनट तक तो दाल को भिगा, मैंने दाल मिक्स कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी जो इमली होती है वो भिगा के रख रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी करूंगी। उसके बाद हम इसको चला लेंगे दाल को अच्छी तरीके से। अभी मैंने कुकर की लिड लगा दिया, अब उसको हम तेज आंच में पकाएंगे अभी हम, और एक सीटी आने तक पकाएंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम कर लेंगे, उसके बाद हम उसे 15 मिनट्स तक लो फ्लेम में पकाएंगे। जब तक हमारी दाल बन रही है मैं सैलेड रेडी कर लूंगी, और अभी मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं एक हाथ से ही सारे काम कर रही हूँ। क्या कर रहे हो नायरा आप? हैं? ये क्या बोल रही है, कौन सी भाषा है ये? हैं? अभी मैं यहाँ पे सैलेड काट रही थी और ये मुझे तंग करने आ गई।
है। मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी जरा इधर देखो। पे मेरी एक सीटी आ चुकी है, तो अब हम इसकी फ्लेम कम कर लेंगे और 15 मिनट्स तक हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे। तो अभी हमारी दाल पक रही है लो फ्लेम पे और मैं अभी काट रही हूँ सैलेड। तो सैलेड काटने के बाद हम इसमें एक और तड़का लगाएंगे जो कि जीरा और सिर्फ और सिर्फ प्याज का होगा, और मैं भी आपको दिखाती हूँ। ओके, लो फ्लेम में पकाने के बाद इसमें जो सीटी आई है उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो जब आप काम करें तो साथ के साथ समेटते रहें, इससे आपकी किचन फैलेगी नहीं। और यहाँ पे मैंने एक प्याज काट लिया है। अभी हमने इसमें सेकंड तड़के के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इस बार मैंने सरसों का तेल नहीं लिया है, रिफाइंड लिया है। और हम इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। भुन गया है, अब मैं उसके बाद डाल दूंगी इसमें प्याज जो कि हमने बड़े स्लाइसेस में काटे थे। अब देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसको दाल में ऐड कर लेंगे। तो दाल हमारी उबल गई है, अब हम इसमें तड़का ऐड कर लेंगे। दाल हमारी बन चुकी है, अब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी अमचूर पाउडर। और ये हमारा दिन का लंच बनके रेडी है। तो लंच करने के बाद हम सब आ गए थे बाहर गैलरी में, और आज बहुत अच्छी धूप आई हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ये है गप्पू भैया जो कि है मेरे देवर, और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी बुआ का लड़का और नायरा, दोनों के दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते पढ़ रहे हैं मम्मा। और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और मैं अभी नई हूँ यूट्यूब में, तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।